अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट है। आप इसको बनाकर खाएं तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये इतना अच्छा होता है कि आप रेजिस्ट ही नहीं कर सकेंगे इसको खाने से। इस रेसिपी में आपको एक्चुअली मिलाने और फिर खिलाने के अलावा कुछ भी नहीं करना। मेरा ख्याल है कि व्हेन लाइफ इज़ बिजी कुकिंग शुड बी ईजी पीसी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए हमने लिया है एक कंडेंस मिल्क, एक बिग कैन मैंने लिया है मिक्स फ्रूट का, 800 ml है ये विद जूस, इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ। 1.5 टेबल स्पून मैंने योगर्ट लिया है और एक बिग कूल व्हिप लिया है, ये ऑलरेडी व्हिप्ड है, और ये 1 लीटर है। एक केक लिया है मैंने, लेकिन ये केक जो है मैं ये पूरा यूज़ नहीं करने वाली, इसका मैं 3/4 यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये कूल व्हिप फुल कर इस बोल में निकाल लूँगी का सारा व्हिप्ड क्रीम इस बोल में निकाल लूँगी। और ये हमने जो 1.5 टेबल स्पून योगर्ट निकाला था वो भी इसमें मिला दूंगी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम ना हो और उसको आप थिन वाला लेकर आए तो पहले उसको व्हिप्ड कर लें किसी अच्छे से ब्लेंडर में या किसी भी तरह किसी विस्क से, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें इसी तरह मिलाएं जिस तरह मैं मिला रही हूँ। ये बहुत झटपट फटाफट तैयार हो जाने वाली डिश है जो कि सबको इतनी पसंद आती है कि हमारे घर में ये जब भी बनती है तो हम बाद में अगर हम सोचते हैं कि हम खुद भी खा लें ऐसा नहीं होता क्योंकि वो सारी फिनिश हो जाती है। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह स्टिर किया, इसको मिला दिया है, सो ब्यूटीफुल। ये देखें ला दिया, अब हम इसको साइड पे रखेंगे, हम अपने केक को देख लेंगे। अब हम केक के कुछ थिन पीसेस कर देंगे, लेकिन इनकी बहुत थिन पीसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत थिन करेंगे तो ये फिर उसके अंदर मिक्सअप हो जाता है और अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल पीस कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी केक यूज़ करें, कोई सा भी केक यूज़ करें, मैं चॉकलेट प्लस वनीला यूज़ कर रही हूँ। आप सिर्फ वनीला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अपनी अपनी प्रेफरेंस है, जो चाहे आप केक यूज़ करें। अब हम इस मिक्स फ्रूट्स में से थोड़े से फ्रूट्स निकाल कर साइड पर रख देंगे ताकि ये ऊपर से डेकोरेशन के वक्त हमारे काम आए। देखिए मैंने थोड़ा सा निकाल दिया बस। अब हम इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक कंटेनर लें जिसमें आपको सब कुछ मिलाना है। ये लीजिए, आप इसमें एक एक करके ये सारे केक के पीसेस लगा दीजिए। सिर्फ एक ही दफ़ा लगाना है आपको। मेरे कंटेनर के हिसाब से ये सारा केक इसमें लग गया। अब जो थोड़े से बच गए हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ। देखें अब मैं इसमें डालूँगी ये मिक्स फ्रूट्स। मैं इसको इसके जूस के साथ डाल रही हूँ। सारा ही आप डाल दें, उसके ऊपर अच्छी तरह फैला लें। हम इसके
उसके ऊपर जो ये हमने बना कर रखा था क्रीमी सॉल्यूशन ये डालेंगे। ये देखने में इतना आसान है और बनाने में भी, लेकिन जब आप इसको एक दफ़ा खा कर देखेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा ये इतना टेस्टी होता है कि इसको बार बार बनाते हैं घर पे और मेहमानों के सामने भी रखते हैं और ये तो फेवरेट होता है उन सबका, बच्चों बड़ों सब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका नाम फ्रूट क्रीम ट्राइफल है। देखिए मैंने सारा इसमें जो क्रीम बनाया था ये डाल दिया, मैं इसको अच्छी तरह फैला लूँगी। सारे फ्रूट्स और वो केक वगैरह इसके नीचे आ गए, इसको मैंने फैला लिया। अब हम जो हमने डेकोरेशन के लिए साइड पे ये रखे थे फ्रूट्स, वो मैं इसमें ऊपर डेकोरेट कर दूंगी। ये लीजिए ऑल डन, ये बन गया, बनकर तैयार हो गया। इसको हम फ्रीज करेंगे, फ्रीज़र में इसको 2-3 घंटे के लिए रख दें, या अगर आप एक दिन पहले भी बना लें तो इसको फ्रीज़र में रख कर छोड़ दें। फ्रीज करने से पहले आप इसे किसी अच्छे फॉइल से सील ज़रूर करें। और जब मेहमान आ रहे हों या मेहमान खाना खा रहे हों उस वक्त आप निकाल के इसको रख दें बाहर, और थोड़ी देर बाद ये डिफ्रॉस्ट हो जाता है, लेकिन ये ठंडा ही खाया जाता है, लोगों को बहुत पसंद आता है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें।